हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो जो नया बिल जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने अभी नया बिल पास किया है। तो बिल, आप उसको इन शॉर्ट एंटी रेप बिल भी बोल सकते हो, अपराजिता बिल भी बोल सकते हो। और जो बिल का पूरा नाम है वो है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। नया बिल पास कर दिया क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, ठीक है। और जो केस है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं बचा है, बड़े लेवल पे जो है वो केस बन गया है। पूरी जो कंट्री है वो जानना चाहती है कि मैटर में क्या हुआ, डेली अपडेट जानना चाहती है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, किसको पकड़ा गया, किसको नहीं पकड़ा गया, किस किस का नाम सामने आया, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या हुआ, सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे न्यूज़ सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। और शायद यही रीज़न होता है कि हमारे सामने क्या होता है कि नए लॉज बनकर आ जाते हैं, हमारे सामने नया बिल रख दिया जाता है कि हमने तो जी लॉ बना दिया, हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है जनता के ऊपर, ठीक है। लेकिन मुझे, ठीक है, जो हाइलाइट्स हैं इस बिल के वो तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेकिन मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या हमारे पास लॉज पहले से नहीं है। क्या जब वो निर्भया वाला केस हुआ था, क्या उस टाइम पे अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी हमारे लॉज में, क्या पनिशमेंट उस टाइम नहीं बढ़ाई गई थी, सब कुछ हुआ था उस केस में, उसके बाद फांसी भी हुई थी। यहाँ पे बात ये नहीं है कि हमारे पास लॉज नहीं है, यहाँ पे बात है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनके बचाव करने के लिए जो लोग हैं उसकी वजह से क्राइम जो है वो होते हैं। क्योंकि जब आप उन क्रिमिनल्स को बैक देते हो, उन क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करते हो, तब हौसले खुलते हैं उन बाकी लोगों के कि ठीक है क्राइम कर दो, कोई ना कोई उनके पक्ष में भी होगा। ये जो बैक होती है, ये जो एक हौसला होता है ना कि हाँ कहीं ना कहीं तो है, कोई ना कोई तो है जो बचाएगा, कोई ना कोई तो है जो हमारे पक्ष में केस लड़ेगा, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने बिल निकाल दिया, कि आपने बिल में क्या निकाला कि जो पनिशमेंट है वो 20 नहीं, सीधा आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, ठीक है, 20 साल की नहीं सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, ठीक है। जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिग्रेस होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। जो आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, मान लेते हैं, पनिशमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं, कि जनता बेवकूफ़ है, जनता की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी लटकाओ उसको, जल्दी जल्दी फांसी करो उसको, ठीक है। ये जनता चाहती है, जनता का जो माइंड है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मुझे इतना पता है कि देखो, जनता अगर इस लेवल पे प्रोटेस्ट कर रही है तो वो बेवकूफ नहीं हो सकती। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे पास लॉज तो ऑलरेडी हैं, हमारे पास कमी किस चीज़ की है, हमारे पास कमी उस चीज़ की है कि जब कोई ऐसा क्राइम सीन होता है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। हमारे पास कमी उस चीज की है कि जहां पे आप लोगों को उस मैटर्स को एक सीरियस नजर में देखना चाहिए, वहां पे जब सीएम खुद परिवार वालों को दबाने की कोशिश करती है, उनको पैसे देने की कोशिश करती है कि मामला जो है वो आप पीछे हट जाओ, है ना, इतना ज्यादा शोर मत मचाओ या इस मामले को इतना हाईलाइट मत करो, जब उस चीज के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं तो उस चीज के लिए कौन सा बिल आप पास करते हो। यहाँ पे है कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो कि देखो हमने तो बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर, हमने, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने मांग करी कि उनको सजा मिलनी चाहिए, हम सजा दे रहे हैं। अब सजा आप राइट पर्सन को दे रहे हो या फिर आपको है कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी पर्सन को जो है वो सामने ले आओ। मैं इस मैटर की बात नहीं कर रही कि इस मैटर में जिसको पकड़ा है उसने क्राइम नहीं किया है, मैं एग्री करती हूं उसने क्राइम किया है, लेकिन क्या सिर्फ वही पर्सन इन्वॉल्व है, इस चीज को लेकर हमें डाउट है। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू में ही सही से नहीं होगी तो आप जो है वो जो जल्दी आप पनिशमेंट देने की बात करते हो या पनिशमेंट इतनी कठिन देने की बात करते हो, वो आप किसको दे रहे हो। अगर आप किसी को भी सूली पे लटका दोगे उससे तो जस्टिस नहीं मिलेगा जिसके साथ गलत हुआ है, जस्टिस तो तब मिलेगा ना कि जिस पर्सन ने गलत किया है उसी को ही लटकाया जाए। अब निर्भया वाले मैटर में टाइम क्यों लगा था, क्योंकि उन लोगों को बैक देने वाले लोग थे, ठीक है, उन लोगों के पक्ष में लड़ने वाले लोग थे। अभी भी जो ये कोलकाता वाला केस हुआ है इसके लिए अगर 20 और 25 एडवोकेट्स, जब आपके उन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो गलतियां करी हैं, पुलिस वालों ने जो गलतियां करी हैं, उनको बचाने के लिए लग जाएंगे तो कैसे पनिशमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी दी जाएगी। भले ही आपका बिल अभी आपने ये पास कर दे कि जल्दी से जल्दी देना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट अभी भी जल्दी नहीं दी जाएगी, ये बात आप हमेशा याद रखना। क्योंकि हमेशा जो लॉज होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं कि जो दूसरा पर्सन है,
जो क्रिमिनल है उसको अपनी चीजें जो है वो प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है और ये तो हर लॉ कहता है। तो अगर आपने अपना बिल पास कर भी दिया तो क्या आप उस क्रिमिनल को मौका नहीं दोगे अपने पक्ष रखने का? क्या उसकी तरफ से कोई एडवोकेट नहीं आएगा मैटर लड़ने के लिए? और जो हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं वहां कोई ना कोई एडवोकेट जरूर घुसता है कि उसको भी जो है वो पब्लिसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि 21 दिन में पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो 21 दिन में मिल ही जाएगी, ऐसा किसी मैटर में कभी नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें आती है ना कि बिल पास कर दिया हमने, ऐसा बिल पास कर दिया कि इतनी फटाफट इतनी पनिशमेंट मिल जाए, ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाने के लिए बिल पास होते हैं, इनका और कोई पर्पस नहीं होता है। जब निर्भया वाला मैटर हुआ था उस टाइम जरूरत थी कि पनिशमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, अमेंडमेंट करनी चाहिए। अब हमारे पास पनिशमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, हमारे पास लॉज हैं, तो फिर से ये जो बिल बुल पास करने वाला नाटक है ना, ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती हैं। फिर भी मैं आपको जो है वो जो हाइलाइट्स हैं इनके बिल के वो थोड़े से बता देती हूँ कि तो हाइलाइट्स हैं कि पनिशमेंट फॉर रेप, जिसमें कि पहले हमारा जो भारतीय न्याय संहिता था वो कहता था कि फाइन और नॉट लेस देन 10 ईयर्स और जो एक्सटेंड होके जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द केस। और जो अपराजिता बिल है वो ये कहता है कि फाइन और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, उन्होंने एक रिग्रेस वर्ड जो है वो वहाँ पे यूज किया है कि इंप्रिजनमेंट था पहले, वहाँ पर रिग्रेस मतलब कि कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए और जो सजा है वो उसकी जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो जो है वो जेल में रहेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब, और डेथ भी उसको मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू केस कैसा है कि लड़की के साथ कितना उन्होंने गलत किया है। सेम है नेक्स्ट जो पनिशमेंट फॉर रेप, जहाँ पे विक्टिम की डेथ हो जाती है वहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स हमारा जो पहले मतलब कि पहले क्या केस लॉ तो अभी वही है कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता कहता था जिसमें मिनिमम 20 ईयर्स और एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। और जो अपराजिता बिल है उसमें सीधा उन्होंने जो मिनिमम 20 ईयर्स था वो हटा दिया, सीधा डेथ एंड फाइन की बात करी गई है कि अगर विक्टिम की डेथ हुई है तो यहाँ पे भी डेथ वाली बात बोली है। पनिशमेंट फॉर गैंग रेप, जिसमें पहले कहता था हमारा भारतीय न्याय संहिता, मतलब भारतीय न्याय संहिता अभी भी वही कहता है, ये तो उनका अपना स्टेट का अमेंडमेंट बिल है जिसमें उन्होंने ये चीजें अमेंड करी हैं, मतलब कि उनकी स्टेट के जो मैटर्स होंगे वहां पे जो पनिशमेंट होगी वो इनके बिल के अकॉर्डिंग जो है वो दी जाएगी। तो वहां पे पहले तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें है फाइन मिनिमम 20 ईयर्स जहां पे गैंग रेप की बात होती है और में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, और अपराजिता बिल में है जब तक वो जिंदा है तब तक उसको जो है वो जेल या फिर डेथ या फिर उसको फाइन पड़ेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें वही चीज़ है कि ठीक है आपने जो 20 मिनिमम 20 इयर्स की जगह आपने बोला कि उसको जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेथ भी मिल सकती है और फाइन ऑब्वियसली साथ में, ठीक है। और टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, तो टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन तो हमारा जो लॉ कहता है वो है कि विद इन 2 मंथ्स हो जानी चाहिए जब आपकी जो FIR है वो रजिस्टर हुई है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अपराजिता बिल कहता है कि 21 दिन में आप जो है वो कंप्लीट कर दो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, और मुझे ये जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं लगती। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेवर में नहीं हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये बिल पास किया है ममता दीदी ने, उनका माइंड है कि जैसे हमारी पुलिस आई उन्होंने जो जैसी भी इन्वेस्टिगेशन करी उसमें जो भी पर्सन उन्होंने पकड़ा वो सामने दिखा दिया कि हाँ ये पर्सन है इसी ने सब कुछ किया है, तो अब इन्वेस्टिगेशन पूरी, अब इसको सूली पे लटकाओ और हमने अपना काम कर दिया। इससे क्या होगा, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी बहुत ज़रूरी है और जितने भी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उन सबका पकड़ा जाना ज़रूरी है, जिन्होंने सबने गलत किया है। जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो वो लोग नहीं बचने चाहिए, तब जस्टिस मिलेगा। तब जस्टिस नहीं मिलेगा कि आपने किसी पर्सन को खड़ा कर दिया कि हाँ सब कुछ इसी ने किया है, इसको जो है वो सज़ा हमने दे दी, अब जो है वो मैटर क्लोज करो, उससे जस्टिस नहीं मिलेगा, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम है कि जैसे होता है ना कि हम लोगों को होता है डेली बेसिस पे न्यूज़ सुन रहे हैं क्या हुआ क्या अपडेट आया, हम लोगों के मन में यही चल रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग बिहाइंड स्टोरी नहीं देख रहे हैं कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कितना गंदा खेल खेल रही है कि ठीक है फटाफट हमने भी तो ये इन्वेस्टिगेशन करी थी, CBI ने क्या नया उखाड़ लिया, ठीक है, यही तो उनके वर्ड्स हैं बोलने के। तो बोलने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन सही से होनी चाहिए, बिल उनके लिए आना चाहिए, वो चीज़ें जो है वो बिल पास होना चाहिए कि सही से इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी है तो
उन लोगों को भी जो है वो सजा मिलनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इन मैटर्स को दबाने की कोशिश करते हैं या जो क्रिमिनल्स का साथ देने की कोशिश करते हैं। घर वालों को पैसे ऑफर आप लोगों ने किए, आपको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इन चीजों के लिए बिल लाना जरूरी है, ना कि पनिशमेंट और इन चीजों के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखना कि ये पॉसिबल है कि, क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी वो लोग ही होते हैं, उसमें भी कितने लोग करप्ट हैं और उनको क्या ऑर्डर्स मिले हैं हमको नहीं पता, ठीक है। इसलिए आप जो है वो इस चीज को लेके संतुष्ट मत हो जाओ कि बिल पास हो गया है तो बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने। नहीं, ये ममता दीदी ने सबको बेवकूफ बनाने के लिए बिल निकाला है और कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि टाइम लिमिट फॉर ट्रायल, तो पहले 2 मंथ का होता था कि 2 मंथ्स में जो है वो फास्ट ट्रैक में जो है वो मैटर चलना चाहिए, अभी ये कह रही है कि 30 दिन में जो है वो ट्रायल खत्म करो। बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर ऐसा कोई मैटर होता है और अगर जिस मर्जी को आपने खड़ा कर दिया है कि हाँ इसने क्राइम किया है, इसको हमने पकड़ा है, तो उसके ऊपर फटाफट इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है वो जो भी हुई है उसके बेसिस पे आप उसको कोर्ट में लेकर जाओ, उसके ऊपर ट्रायल चलाओ और उसको जो है वो जो सजा आप अपना बिल आपका बोल रहा है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दो और बात खत्म करो। फिर उसकी वजह से जिसने एक्चुअल में कुछ किया है, जिसका नाम तक नहीं आया सामने, वो भले ही बच जाए, जैसा कि ममता दीदी ने लोगों को बचाने की कोशिश करी। यार देखो, टारगेट करने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात है जो सामने हमें चीजें दिखी, ठीक है, कि आपने उसके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि हमसे जो है वो जबरदस्ती फटाफट लड़की का जो है वो क्रियाक्रम करवा दिया गया, हमें लड़की को देखने तक नहीं दिया गया, ममता दीदी ने हमें पैसे तक ऑफर करने वाली बात उन्होंने खुद करी है। और ठीक है, पनिशमेंट मैं बोलती हूँ कि हाँ हार्ड से हार्ड होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो इतना गलत किसी के साथ करते हैं, पनिशमेंट है, लेकिन वही बात है ना कि आप ये तो नहीं बोल सकते कि जो क्रिमिनल आपने पकड़ा है आप उसको अपनी चीजें प्रेजेंट करने का मौका नहीं दोगे कोर्ट में, ये प्रोविजन तो नहीं है। हमेशा दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का मौका हमेशा हर केस में दिया जाता है, और जब वो पक्ष दिए जाते हैं तो मैटर जो है वो चलते हैं, उसकी टाइम लिमिट बढ़ती है। तो इसीलिए जो बिल है वो मेरे हिसाब से तो कोई प्रैक्टिकल चीज उसमें नहीं है, सिवाय इसके कि आपने इम्प्रिजनमेंट में जो है वो रिग्रेस वर्ड एक यूज किया कि हाँ ठीक है कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए, उसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए जो बंदा गिल्टी साबित हो जाता है। उसके बाद जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा मैटर है उसके हिसाब से उसको डेथ पेनल्टी है, उसकी पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जाएगी, वो सारी चीजें तो केस टू केस ही डिसाइड होंगी। वो अभी भी ऐसे ही होता है और वो आगे भी ऐसा ही होगा। ममता दीदी ने कोई नया बिल पास करके कोई भी एहसान किसी के ऊपर नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाला बिल है जो पास किया गया है। आप क्या सोचते हो, आपका क्या मानना है इस बिल को लेकर, या आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए ऐसे मैटर्स को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।